तो 20 को बॉम्बे चले गए थे, उसके पीछे अभी 26 तारीख को वहाँ से फोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई रात को 8 बजे के करीब, और भारत हर साल खुला हुआ है, सारी चीज़ें बिक्री हुई हैं। अलवर गेट थाना अंतर्गत गांधीनगर नाका मदार में मकान से लाखों का माल चोरी। परिवार गया था मुंबई, पीछे से चोरों ने घर से 2 लाख की नकदी सहित 6-7 लाख के जेवरों पर किया हाथ साफ। अलवर गेट थाना अंतर्गत गांधीनगर नाका मदार A102 में रहने वाली शोभा आर्य पत्नी अशोक आर्य के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शोभा आर्य की बहन विभा अरोड़ा ने अलवर गेट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवर गेट थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मेड़तिया ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर दी गई है। घटना स्थल का मौका मुआयना कर फिलहाल मकान को सील किया गया है। FSL टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। जल्द ही गठित की गई टीम द्वारा साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 27/7/22 को श्रीमती विभा अरोड़ा निवासी गांधीनगर थाना जयपुर की रिपोर्ट पेश की कि मेरी बहन शोभा जो कि MD कॉलोनी में रहती है, दिनांक 20/7/22 को बम्बई अपनी बेटी के पास मिलने चली गई थी। पीछे से चाबी पानी पिलाने के लिए विभा को देखी गई थी। विभा ने दिनांक 27/7/22 को चेक किया तो उसके गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर सामान देखा तो अलमारी में ताले टूटे हुए थे, जिस पर उसने अपनी बहन से बात की, जिसने बताया कि अलमारी में ये सामान था, कुछ सोने चांदी के गहने थे, कुछ नगद राशि भी थी जो अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जिस पर थाना जयपुर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके लिए टीम गठित की गई है। शीघ्र ही मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाएगा, माल की बरामदगी की जाएगी और माल की कीमत लगभग 4-5 लाख रुपए बता रहे हैं, और फिर भी इसकी बहन के आने पर पूरा विस्तृत पता चलेगा कि कितना माल था, और शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाएगा। वहीं मकान मालकिन शोभा आर्य ने बताया कि वे अपने पति के साथ 20 जुलाई को अपनी बेटी से मिलने मुंबई चले गए थे। 26 जुलाई की रात करीब 8 बजे उनके पास फोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई है। इसके बाद बहन विभा अरोड़ा को घर भेजा, जिन्हें वह चाबी देकर गए थे, तो उन्होंने देखा कि घर के सभी ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है, पूरा मकान अस्त व्यस्त पड़ा है, अलमारी और लॉकर सब खुले पड़े थे। उन्होंने बताया कि 2 गोल्ड की चेन, लगभग 3 तोले की, 3 डायमंड रिंग, 34 चांदी के सिक्के, चांदी का लोटा और 2 लाख रुपए की नकदी घर से गायब है। अभी और जांच की जाएगी क्योंकि अभी घर सील है, इसलिए कुछ बताया नहीं जा सकता कि कितना माल चोरी हुआ है, फिर भी 8 से 10 लाख का माल चोरी होने की आशंका है। ये पता नहीं, हम लोग तो 20 को बॉम्बे चले गए थे, उसके पीछे अभी 26 तारीख को वहाँ से फ़ोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई रात को 8 बजे के करीब, और घर सारा खुला हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। बहन को भेजा था वहाँ पे, उन्होंने भी सब चीज़ें 5 मिनट के अंदर अंदर देखी, एवरीथिंग इज़ इन अ मेस, सब कुछ बिखरा हुआ फैला हुआ सब कुछ है। अब कितना सामान गया वो पता नहीं, ज्वेलरी कबर्ड वगैरह लॉकर खुला हुआ है, ज्वेलरी की ड्रॉज निकली हुई हैं, घर के अंदर ज्वेलरी तो पहनने की चेंज करने की होती है, कभी शादी ब्याह में जाना है तो चाहिए होता है, और हार्ड कैश भी था, वो सारी चीज़ें। अब कितना केस था और जेवरात में क्या क्या था? जेवरात में तो 2 गोल्ड चेन्स थी, 3 डायमंड इयररिंग्स थे, मेरे चांदी के बहुत पुराने वाले सिक्के, करीब 34 सिक्के थे जो 18,000 वाले सिक्के थे, पूजा में थाली में रखते थे, जो बड़ा चांदी का लोटा था, और सोने के 2 चेन सेट बताए मैंने आपको, बुंदे 2-3 डायमंड के इयररिंग्स थे घर के अंदर ही। अब छुटपुट चीज़ें तो होती हैं, मतलब चेंज करने के लिए। कैश मेरे पास 2 लाख के करीब कैश होगा, 1.5 तो एक जगह था और 51 के करीब एक जगह था, धीरे धीरे कलेक्ट करा हुआ ये पैसा था जो कभी ज़रूरत पे इमरजेंसी में पड़े तो काम में आए। पुलिस ने मुकम्मल करा वहाँ, पुलिस ही आई थी, उन्होंने फ़ोन किया था जी। तब हमसे बात करी, हम इमिजिएटली फ्लाइट से आ गए, लेकिन अभी सील लगी हुई है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में एंट्री नहीं ले सकते हैं। लगभग कितना लाख का आपका माल गया? करीब 8-10 लाख का होगा टोटल मिला के, अपर जब तक हम देख नहीं सकते, हम फिर भी अंदाजा एग्जैक्ट अंदाज़ा इतना तो हो गई, क्योंकि चांदी की मेरा सामान ही बहुत भारी था। हाँ। सोने की 2 गोल्ड चेन्स भी एक बना, 1.5 तोले की भी हुई तो 3 तोला हुआ, 3 डायमंड इयररिंग्स तो हैं ही बड़े, सिल्वर कॉइन्स कितने पुराने वाले, 33 गोल्ड कॉइन्स 18,000 वाले थे, वो शादी पे मुझे मिले थे। हाँ, 8-10 के करीब तो टेंटेटिव होगा ही।
कहाँ पर मकान है? A102 नाका मदार। नाका मदार जी। और मंदिर पे बहुत फंक्शन चल रहा था उन दिनों में, पूरा हफ्ता लाउड स्पीकर वगैरह था। लेकिन कौन सा थाने में दी आपने शिकायत? अलवर गेट। अलवर गेट वहीं से वो लोग आए थे उन्होंने की।